गलती किस बात का, गलती हम लोग कोर्ट ने हमें बरी किया, पार्टी के प्रति अगर पार्टी की छवि खराब हुई तो हम लोगों ने कहा कि चलिए इसको अन्यथा ना लेते हुए, हम लोग पार्टी के योद्धा हैं, हम लोग दिन रात पार्टी के लिए काम करते हैं। भाजपा से कौन लड़ता है, भाजपा का कौन खदेड़ता है, भाजपा का सबसे बड़ा दुश्मन शत्रु कोई है तो इरफान अंसारी है, अगर मौका मिले तो जन्म मारवा देगा ये लोग। तो आप बोलिए कि सर भाजपा से जोड़ना अच्छा लगता है क्या, एकदम साथ ही साथ खत्म कर देना चाहिए निलंबन हम लोग का। केवल अतीक अहमद को मुस्लिम से जोड़ना अच्छी बात नहीं है, कोई भी धर्म का एक्यूज हो तो उसको न्यायालय है हमारा, हमारा संविधान है, हमारा अधिकार है। और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में जो माहौल है वो लगता नहीं है कि डेमोक्रेसी है वहाँ पर, एकदम मजाक बना के रख दिया है। वो अतीक अहमद जिस तरह से दिखाया जा रहा है, वो पूर्व सांसद भी तो है, जनता ने मैंडेट दिया था, जनता ने उनको जिताया था, कभी कोई मीडिया में नहीं आ रहा कि पूर्व सांसद, बताइए आतंकवादी आ रहा है भाई, मारा क्यों, पुलिस कस्टडी में आप ले जा रहे हैं उसको, अब मार दिए, किसी को भी ले जाते तो मैं बोलता, ये अच्छी परंपरा नहीं, सारे लोग सारे धर्म के लोग सारे पार्टियाँ इनफैक्ट भाजपा के भी लोग इसकी निंदा कर रहे हैं, ये योगी वोगी इस तरह चला चलाएगा क्या आप कानून व्यवस्था, भाई किसी को भी मार दे रहा भाई, अभी जब न्यायालय है, कोर्ट है, कोर्ट संज्ञान लेता है, सजा भुगतता है, इंसाफ मिलता है, मारा है कि नहीं मारा है, दोषी है कि नहीं, आतंकवादी है कि नहीं है, कोर्ट फैसला करेगी, आप खुलेआम एकदम लगता है कभी ब्राह्मण को मरवा दिया आप, तो ये फैसला जनता लेगी। देखिए मोदी जी भी हमको लगता है कि जरूर आहत होंगे, अगर देश के प्रधानमंत्री जनता के प्रति जरा भी अगर आपको नैतिकता है तो ऐसे लोगों को बर्खास्त कीजिए, आपकी गरिमा और बढ़ेगी। विधायक जी 12 दिनों तक प्रभारी महोदय रहे, आप लोगों की वापसी को लेकर कुछ बातें हुई, क्योंकि आज राजेश कच्छप ने भी मन से ही माफ़ी मांगा, तो क्या गलती का एहसास करते हुए